हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के समय तक देश के कार्य को संभाला। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्हें विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और सबसे पहले वह मद्रास के गवर्नर बनकर भारत आए थे। साथ ही उन्होंने जुलाई 1828 ईसा में ये पद ग्रहण किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारतीय रियासतों के मामले में अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया था। विलियम बेंटिक के भारतीय समाज में किए गए सुधार आज भी प्रसिद्ध है और उन्हें सती प्रथा को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। अपने शासनकाल के अंतिम समय में वह बंगाल के गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण व्यवहार को खत्म करने के लिए 1833 ईसा के एक्ट की धारा 87 के अनुसार जाति या रंग के स्थान पर योग्यता को ही सेवा का आधार माना। विलियम बेंटिक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारे बदलाव किए। उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य एवं माध्यम दोनों पर गहरा अध्ययन किया। कंपनी के वृद्धि वित्तीय सुधारों के लिए विलियम बेंटिक ने सैनिकों को दी जाने वाली भत्ते की राशि को भी कम कर दिया था। न्यायालयों की भाषा फारसी को हटाकर विकल्प के रूप में स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल काफी शांति का काल था। चलिए तो आज हमने जाना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम फिर किसी गवर्नर जनरल ऑफ के बारे में बात करेंगे। तब तक आप क्विज की प्रैक्टिस करें और अपनी जनरल नॉलेज को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं।